सन 1860 नामधारियों ने अपनी स्वदेशी डाक का प्रबंध कर लिया। अंग्रेज़ों की डाक रेल ते कचहरियों की वरतों उन्होंने पहले ही बंद कर दी सी। महात्मा गांधी ने स्वदेशी लहर 1905 विच चलाई, उस तो बाद नॉन कारपोरेशन लहर 1920 विच चलाई। ये तो असी सारे जानते ही हाँ, पर बहुत लोग ये नहीं जानते कि बाबा राम सिंह द्वारा पंजाब विच ये लहरां तकरीबन अद्धी सदी पहला ही चलाईया जा चुकिया सी। विस्थार नाल अज तुहानू जाणू करवावांगे नामधारी लहर नाल, जो सिर्फ अंग्रेज़ों के विरोध विच या साडी आज़ादी लई नहीं लड़े। इन्हां दी जंग सी हर उस कुरीति नाल जो इंसान नू अगे नहीं वधन दिंदी, जो साडी सोच नू बेड़ियां पा के रखदी है। नामधारी लहर नामधारियों ने चलाई सी, जो कि सिख धर्म का एक धड़ा है। इस दे संस्थापक सी हाजरो दे बाबा बालक सिंह। बाबा बालक सिंह बड़ी उच्ची आत्मक अवस्था दे मालक सन। सारे धर्मां दे लोग उन्हां दा बहुत सत्कार करदे सी। वह सिख धर्म के प्रचार विच लगे रहिंदे सन ते इस करके उन्हां नाल लोग जुड़दे सी। बाबा राम सिंह ते भी उन्हां दा बड़ा प्रभाव पिया ते वह उन्हां दे मुरीद हो गए। बाबा बालक सिंह तो बाद बाबा राम सिंह ने उन्हां दे विचारां ते चलदिआं नामधारी लहर दा मुढ बनिया। खास जानकारी कि बाबा अरबी का शब्द है ते खास करके वड्डे बजुर्गों लई या उच्च बुद्धि ते आत्मक अवस्था वाले इंसानों लई वरत्या जाता है, इसलिए उस समय सब उन्होंने बाबा पुकारते सन। बाबा राम सिंह का जन्म लुधियाणा नेड़ले पिंड भैणी विच 1816 विच होया। वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना का हिस्सा रहे। सन 1846 विच सिंघां नाल लड़ाइयां पिछों अंग्रेज़ लाहौर आ गए ते 3 साल पिछों उन्हां पंजाब ते सीधा कब्जा कर लिया। सिंघां ते अंग्रेज़ां विच होई मुदकी की लड़ाई विच बाबा राम सिंह भी लड़े। कहा जाता है कि इस तो बाद वो अपने पिंड भैणी मुड़ आए। भैणी ही नामधारी मत का केंद्र बनया, क्योंकि 1849 विच बाबा बालक सिंह जी अकाल चलाना कर गए ते सारी जिम्मेवारी बाबा राम सिंह दे मोढ़ियां ते आ गई। बाबा बालक सिंह ने समाज विच वध रहियां कुरीतियां नूं रोकण लई एक धार्मिक जत्थेबंदी दी नींह रखी सी, जिस नूं जिग्यासू अभ्यासियां दी जत्थेबंदी आखदे सी। पहलां पंजाब विच इस दे प्रचारक ते नेता बाबा राम सिंह नूं थापिया गया सी। फिर सारी जिम्मेवारी आउण ते उन्हां ने इसका होर प्रचार प्रसार किया ते यही जत्थेबंदी बाद विच नामधारी जां कूका जमात अखवाई। नामधारी इसलिए क्योंकि ये वाहिगुरू का नाम सिमरन करते रहते सन, ते कूके इसलिए क्योंकि ये अपने दीवाना विच मस्त हो के सत श्री अकाल कूकते होंदे सी। बस इसे दे नाल बाबा राम सिंह का धार्मिक आगू ते समाज सुधारक वजों जीवन आरंभिया। इन्हां दे कुछ खास निशाने सी जिन्हां लई लोकां विच जागरूकता पैदा की जाती सी, जिमें कि लोग अपने शरीर अते अपनी रहनी सहनी साफ रखन, लोग वहमां भरमां विचों निकल जाण, समाजिक तौर पर मर्द ते औरत बराबर मन्ने जाण ते सर्ब सांझे विद्या दा प्रचार राही उन्नति करन, विदेशी ते राज्यां दी प्रतिनिधता तो आज़ाद हो के लोग आप राज करन। अंग्रेज़ां दे अत्याचार वधदे जा रहे सी, उन्हां दे इस चलन नूं देख बाबा राम सिंह ने अपने श्रद्धालुआं नूं हिदायतां कीतियां कि वह अंग्रेज़ां दीआं बरामद कीतियां वस्तुआं लैणा बंद कर देण। मिलदा कपड़ा ना पाउण, ना सरकारी नौकरी लैण ते ना ही अंग्रेजी सीखण। यह लहर दिन ब दिन मजबूत हो रही सी ते अंग्रेज़ां दी फिक्र भी वध रही सी। फिर उन्हां अंग्रेज़ां दी डाक रेल ते कचहरियां दी वरतों भी बंद कर दित्ती। नामधारियां ने सन 1860 दे नेड़े अपनी स्वदेशी डाक दा भी प्रबंध मुकम्मल कर लिया सी ते उन्हां इस दी वरतों भी शुरू कर दित्ती सी। अंग्रेज़ अफसर होर भी चौकस हो गए। उन्होंने इस लहर का देश भर में फैलन का पाला मारन लगा। उन्होंने हाजरो ते भैणी उत्ते सख्त नज़रबंदी शुरू कर दी। 1872 विच उन्हें गऊआं नूं मारन की अनुमति दी ता जो भारतीयों दीआं धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचे। इस दे विरोध विच नामधारियों ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। कहा जाता है कि एक नामधारी सिंह सामने गऊ हत्या की गई, जिस करके गऊआं की आज़ादी लई कूकियां ने मलेरकोटला विच सख्त प्रदर्शन किया ते अंग्रेज़ां ने बेरहमी नाल अनगिनत नामधारियों नूं तोप नाल उड़ा दिता। मंदभागी गल है कि इस विच होए शहीदां दी सूची कितों भी बरामद नहीं हुंदी। इस तो बिना भी कई जगह ते नामधारियां ने शहादत दित्ती। हालात विगड़न लगे ते बाबा राम सिंह नूं भी गिरफ़्तार कर लिया गया ते देश निकाला दे के रंगून भेज दिता गया। उत्थों भी वह अपने श्रद्धालुआं नूं चिट्ठी लिखते रहे। कुछ साल पहलां डॉक्टर गंडा सिंह वल्लों यह चिट्ठियां पबलिश कीतियां गईं। वह पढ़ के साडियां नज़रां विच बाबा राम सिंह दा कद होर भी उच्चा हो जाता है। इन्ने जटिल हालातों विच भी इन्ने सहनशील, दृढ़ ते सकारात्मक सन। वह बाबा राम सिंह नवंबर 1885 विच इस फानी संसार नूं अलविदा आ गए। इस गल ते उन्हां दे श्रद्धालुआं नूं बड़ा समा विश्वास ही नहीं आया। उन्हां दी चलाई लहर ते स्थापित कीती बराबरता दी
पैरवी करती पाक सोच ने बहुत जिंदगियां बदल के रख दी। अज भी नामधारी सिख इस सोच की पालना करके अपना जीवन बतीत कर रहे हैं। सफेद कपड़े ते साफ सोच ते जीवन शैली इन्हां दी पहचान है।